पिता, क्या तुमने अपना होमवर्क पूरा कर लिया है? ये बहुत मजाकिया है, मुझे तो नींद आ रही है। नोबिता, मेरे पास यहाँ आकर बैठो। पर क्यों डैड? मैंने तुमसे कहा ना कि यहाँ पर बैठो। मैं तुमसे ये सब कहना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मुझे बहुत बुरा लगता है जब तुम ऐसा करते हो, समझे? पर आज तो मेरी छुट्टी है डैड। मुझे मजबूरा बताओ कि तुम दिन भर बैठे क्यों रहते हो? तुम्हें मालूम भी है कि तुम्हारे भविष्य का क्या होने वाला है? इस तरह से तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। इस तरह जिंदगी भर बेवकूफ और आलसी ही बने रहोगे। तुम्हारा भविष्य खराब हो सकता है नोबिता। क्या तुम मेरी बात को समझ रहे हो नोबिता? जब तक तुम कुछ करने की सोचोगे तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। सुन रहे हो तुम मेरी बात नोबिता? तुम अपने भविष्य के बारे में क्यों नहीं सोचते हो? देखो अब ये सब नहीं चलेगा, हमेशा आलसी। उसको इसी तरह से समझाना जरूरी है, मुझे लगता है वो इनकी बात जरूर मानेगा। बेजुबान हो गया, माना कि वो मेरे डैड है पर उन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है, वो हमेशा मुझे डांटते रहते हैं। ऐसा मत कहो। बस बहुत हो गया, मैं और नहीं सह सकता, मैं चला जाऊंगा। अगर मैं इस घर में नहीं रहूंगा तो लोग परेशान नहीं होंगे। देखो नोबिता, ऐसा करना गलत है। अरे हेलो डैड। क्या डैड? मैं आपका बेटा हूँ नोबिसो के। ओह, ये तुम्हारा बेटा है, याद है ना? मेरा बेटा? हाँ मुझे याद आया, मैं खास आपसे मिलने के लिए भविष्य से आया हूँ। डैड, बेटा, बेटा, डैड, बेटे। कितना अजीब लग रहा है ये। पहले ये बताओ कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं घर छोड़कर आ गया। क्या कहा? हाँ तुमने सही सुना, डैड हमेशा मुझे डांटे रहते हैं, कभी मेरी बात नहीं सुनते, जब देखो शिकायत करते हैं। उन्होंने मुझे कहा कि मैं जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता तो मैं वहाँ से भाग आया। मैं तुम्हारी बात समझता हूँ, इसकी बात सुनकर ऐसा लगता है कि सारे मॉम डैड एक जैसे ही बोलते हैं। आखिर तुम ये क्या कह रहे हो? नोबिसो के डैड तुम ही हो ना? क्या? जरा एक मिनट रुको, मैं एक बहुत अच्छा डैड बनूंगा जो अपने बच्चे की हर बात समझता है और उसे बहुत सारी पॉकेट मनी देता है ताकि उसका बेटा सब कुछ खरीद सके, और अच्छे अच्छे स्नैक्स भी देता है और उसे कभी भी नहीं डांटता, समझी डोरेमोन? ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। ऐसा जरूरी नहीं है कि सपने हमेशा सच्चाई में बदल जाए। तुम्हें अपने घर वापस जाना होगा, हंसना बंद करो और जाओ यहाँ से। मुझे कभी नहीं डांटने वाले थे। बस भी करो, मैं हार मानता हूँ, प्लीज बस भी करो। तो क्या मैं यहाँ पर रह सकता हूँ डैड? तुम्हें जो करना है करो। तो ठीक है, कुछ दिनों के लिए मैं आपके पास ही रहूँगा। आखिर ये हो क्या रहा है? वो बोर हो जाएगा और वापस चला जाएगा। अरे हाँ, अरे वाह, आपके पास तो बहुत सारी कॉमिक बुक्स है डैड। इसका मतलब आपने मुझसे झूठ बोला कि आप बचपन में बहुत मन लगाकर पढ़ाई करते थे। हाँ, अरे ये झूठ नहीं है, मैं अभी बस पढ़ने ही वाला था। क्या मुसीबत है। अच्छा ये बताइए कि आप स्कूल में सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट बच्चे थे डैड। ये हाँ ये सच है। अच्छा तो फिर, अरे मेरी चीजों को हाथ मत लगाओ। मुझे लगता है तुम्हें घर लौट जाना चाहिए, मेरी बात समझ गए? मैं अभी आया। तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? मैं बस आपके जमाने का शहर देखना चाहता हूँ। सच कहूँ तो मैं तुमसे परेशान हो गया हूँ, मुझे माफ कीजिए, मैं आपको परेशान कर रहा हूँ। अरे नोबिता तुम। अरे शिज़ुका, अरे आपकी शक्ल तो बिल्कुल मेरी। अरे चुप हो जाओ। ये कौन है नोबिता? अरे ये मेरा कजन है। अच्छा। अरे आप कितनी प्यारी है। क्या सच में मैं प्यारी हूँ? एक बात कहूँ, बड़े होने के बाद भी इनकी शक्ल बिल्कुल ऐसी ही है। आपके चेहरे पे तो बिल्कुल भी एक भी छुर्री नहीं है, और आपके बाल भी सफेद नहीं हुए हैं। क्या कहा तुमने? माफ करना, ये ज्यादा बोलता है। ये बहुत ही बुरी बात है, समझ गए नोबिता? मैं जा रही हूँ। अरे शिज़ुका मुझे माफ कर दो, रुक जाओ, चुप हो जाओ, तुम्हारी वजह से शिज़ुका नाराज हो गई है। ए नोबिता, बिल्कुल सही समय पर मिले हो, चलो बेसबॉल खेलते हैं। आपने मुझे कहा था कि आप बेसबॉल के नंबर वन खिलाड़ी थे। हाँ लेकिन आज के खेल में मैं इन्हें जीते दूंगा। क्या कहा, हम बस इसके खेलने दे रहे हैं कि हमारे पास एक प्लेयर कम है। डैड को परेशान करना बंद करो। डैड को
क्या हुआ, समझ नहीं आया। इतने पिद्दी से होकर भी तुम में बहुत हिम्मत है, तुम मुझे पसंद आए। अब नोबिता की जगह तुम हमारे साथ खेलोगे। हाँ बिल्कुल, मुझे भी बहुत पसंद है। हमारी टीम में तुम्हारा स्वागत है। नोबी सुखी कहाँ गया नोबिता? वो जियान के साथ बेसबॉल खेल रहा है डोरेमोन। ओ समझ गया। भविष्य वाले तुम उसके लिए परेशान हो रहे हो, है ना? शायद हमें उसे बता देना चाहिए। तुमने सही कहा, चलो भविष्य में चलकर मुझसे मिलते हैं। क्या तुम इसे ठीक नहीं कर सकते? जब देखो हम इसी जगह से बाहर निकलते हैं डोरेमोन। मैं कुछ नहीं कर सकता, ये वही जगह है जहाँ तुम्हारा पुराना घर हुआ करता था। और भविष्य में तुम जिस घर में रहते हो वो वहाँ पर है। क्या यही वो जगह है जहाँ मैं काम करता हूँ? आ रहा है, छुप जाओ। कौन है वहाँ, तुम क्या कर रहे हो? डोरेमोन, तो इसका मतलब हुआ कि आपसे मिलकर मुझे सच में बहुत खुशी हुई। मुझे बहुत खुशी है कि तुम यहाँ पर आए। मुझे भी खुशी है कि मैं यहाँ पर आया। ये भी बहुत अजीब लग रहा है। इसका मतलब सुखी तुम्हारे समय में चला गया है। जब वो हमारे पास आया था तो वो बहुत ही परेशान था। लगता है आप उसके साथ कुछ ज्यादा ही सख्ती बरत रही हैं। तुम्हें ऐसा लगता है? सच कहूँ तो अगर मेरे बस में हो तो मैं उससे वो सब नहीं कहना चाहता, पर एक वो है कि कुछ समझना नहीं चाहता। मैं समझ सकता हूँ आप पर क्या बीत रही है। और वो पूरा दिन पढ़ने के बजाय कॉमिक बुक्स में समय बर्बाद करता रहता है। मैं बिल्कुल उसके जैसे एक बच्चे को जानता हूँ। एक वक्त था जब मैं बहुत आलसी था और पढ़ाई बिल्कुल नहीं करता था। उसकी वजह से मुझे जिंदगी में बहुत परेशानी। सच में? हाँ, मैंने जितना समय आलस में बर्बाद किया मुझे उतनी ही बाद में मेहनत करनी पड़ी। मैं नहीं चाहता कि वो भी वही गलती करे, मैं बस उसे सही रास्ता दिखाना चाहता हूँ। तो ये बात है। अरे हाँ, जब मेरे पापा मुझे डांटते थे तो मुझे भी तो बुरा लगता था, पर अब मुझे समझ में आ गया है कि वो ऐसा क्यों करते थे। जब तुम बड़े हो जाओगे तो तुम भी समझ जाओगे। हाँ लगता है यही होने वाला है। डैड होना तो सच में बहुत मुश्किल है डोरेमोन। अरे डैड आप वापस आ गए, मुझसे बात मत करो, जल्दी से भविष्य में अपने घर वापस चले जाओ। बिल्कुल नहीं। वो सब छोड़िए, आपको पता है आज मैंने बेसबॉल बहुत अच्छा खेला, हमारी टीम जीत गई। अरे अच्छी बात है। और पता है जियान ने मुझे बहुत सारी कॉमिक्स भी दी है पढ़ने के लिए। देखिए क्या ये सब तुम्हें जियान ने दिया है? ये सब मेरी कॉमिक्स है, पता है मैंने उसे कितना मांगा था पर उसने वापस नहीं दी, ये उसने बिना पूछ ली। यहाँ पर आकर तो बहुत मजा आया है, अब मैं कल क्या करने वाला हूँ ये सोचते हैं। यहाँ नहीं रुकने वाले। हाँ मैं यही रुकूंगा। आपको तो घर का हर एक काम बहुत अच्छे से आता है, आपने कहा था आप अपनी मॉम की किचन में हेल्प करते थे। अरे हाँ मेरा जूस पीने का बहुत मन है। रुक जाओ, कहाँ भाग रहे हो? मेरी बात सुनो, रुक जाओ, नहीं पकड़ सकते। हाय डैड। क्या डैड? ये तुम्हारा बेटा है, ये फ्यूचर से आया है। क्या क्या तुम मेरे बेटे हो? आप मुझे हमेशा डांटते रहते हैं इसलिए मैं घर छोड़कर यहाँ आ गया, आप मेरी बात सुनते ही नहीं। अब मैं हमेशा हमेशा के लिए यही रहूँगा, आप ये समझ लीजिए ठीक है? ये तो वही है जो तुमने मुझे कहा था। डैड आपने मुझे कहा था पढ़ाई में अच्छे हैं, क्या ये सच है? लगता है डांट बनने के बाद सब ऐसे ही कहते हैं।